अजमेर में जिला परिषद व पंचायत समितियों के चुनाव का दूसरा दौर हुआ प्रारंभ। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदान के लिए देखने को मिली भीड़। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। अजमेर में जिला परिषद में पंचायती चुनाव का दूसरा दौर प्रारंभ हो चुका है। लोगों ने सुबह से ही मतदान के लिए मतदान केंद्रों में जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए मतदान किए। वहीं भाजपा प्रशिक्षण विभाग के प्रदेश प्रभारी व अजमेर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने अपने पैतृक गांव ब्रिक्चियावास में मतदान किया और उन्होंने वर्तमान सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपराध रोकने में नाकाम रही है, अपराधों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कहा कि महिलाओं और दलितों के साथ अत्याचारों की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार इन विषयों पर कोई कठोर कदम नहीं उठा रही है और वहीं बिजली पानी और शिक्षा के मुद्दों पर भी उन्होंने सरकार की नाकामयाबी को बताया। प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने कहा कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही, इसीलिए उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से आह्वान किया। जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव का दूसरा दौर का मतदान प्रारंभ हो चुका है। आज जो राजस्थान की हालत है उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रत्येक मतदाता अपना मतदान करे, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। 2 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरह कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रखी है, अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है, महिला अत्याचार बढ़ रहे हैं, दलितों पर जिस प्रकार घटनाएं हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं दलितों के प्रति, वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बिजली पानी शिक्षा सब में सरकार बहुत पीछे हो गई है और जो वादे किए थे चुनाव में उन्होंने पूरे नहीं किए। बेरोजगार आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने बेरोजगारी भत्ता का, किसान आज भी इंतजार कर रहा है अपने कर्ज माफ़ी का, और इसलिए मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि भाजपा के पक्ष में मतदान करें। दूसरा चरण का मतदान चालू हो गया है, जहाँ पर पूरे अजमेर जिले के अंदर अजमेर ग्रामीण पीसागन और श्रीनगर पंचायत समितियों के मतदान हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता और उसके अंदर पूरा उत्साह है और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार वापस हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे माध्यम के साथ में अजमेर जिले के अंदर अपनी परफॉर्मेंस रखेगी। और जिस प्रकार से ग्रामीण जनता के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है, सुबह के टाइम से ही लोग बाग अपने आप अपने घरों से निकल रहे हैं और जो उत्साह नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में था, जिस समय 18 के चुनाव हुए, 19 के चुनाव हुए, उसके अंदर जो उत्साह ग्रामीण जनता के अंदर देखने को मिला था, वही उत्साह इस बार फिर देखने को मिल रहा है जिला परिषद और पंचायत सदस्यों के जो चुनाव हो रहे हैं। क्योंकि आम जनता जो है, गांवों की जनता जो है, कांग्रेस के 2 साल के शासनकाल से परेशान हो गई है। बिजली की व्यवस्था जो चौपट कर दी पूरे राजस्थान के अंदर, अजमेर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इन मुद्दों के साथ हम चुनाव में गए तो इससे महसूस हो रहा है, जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर नजर आ रही है और अच्छे मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं।